हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. प्रोडक्शन फंक्शन क्लास 11th कब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन प्रोडक्शन फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ये शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. 1 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, कैसे भी आ सकते हैं. 5 मार्क्स में आ जाएगा पूरा एक्सप्लेन करो प्रोडक्शन फंक्शन. 1 मार्क्स में आ जाएगा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं वो समझाओ. तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें समझेंगे. ओके, पहले देखते हैं प्रोडक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इंटू आउटपुट. जैसे लेदर है, कंपनी है शूज़ की, वो लेदर को यूज़ करके और शूज़ बना रही है, आउटपुट निकाल रही है. ठीक है, लेदर को यूज़ करके आउटपुट निकाल रही है. घर में कुकिंग होती है तो हम क्या इनपुट यूज़ करते हैं, खाना, आटा यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, हम उसको कुक्ड फॉर्म में पाते हैं, तो ये आउटपुट हमारा निकला. तो जब इन दोनों के बीच का रिलेशन हम देखते हैं तो हम उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. इन दोनों के बीच का रिलेशन या फिर एक्सप्रेशन प्रोडक्शन फंक्शन होता है. प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ गुड. एक रिलेशनशिप, वो टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट हम उसको प्रोडक्शन फंक्शन कह सकते हैं. ठीक है, या फिर इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, प्रोडक्शन फंक्शन होता है डिस्क्राइब्स द मेथड दैट विल एनेबल मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय टेक्निकली कंबाइनिंग. या फिर हम रिलेशन को ऐसे समझ सकते हैं, देखो इनपुट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है, इनपुट को डिक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा है. तो इन रिलेशंस को जो है प्रोडक्शन फंक्शन समझाता है. प्रोडक्शन फंक्शन क्या समझाता है, बात समझ आई. इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन समझाता है हमें. यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, डिस्क्राइब्स द मेथड दैट विल, प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब करता है मेथड जो कि इनेबल करता है मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय टेक्निकली कंबाइनिंग 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन चारों चीज़ों को, लैंड, इंटरप्राइज, लेबर और कैपिटल, इन चारों चीज़ों को मिला करके आउटपुट जो निकलता है सर्टेन कुछ टाइम फ्रेम में बाई यूजिंग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल मोस्ट एफिशिएंटली, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और मोस्ट एफिशिएंटली, ये हम प्रोडक्शन फंक्शन इसको कहते हैं. बात समझ में नहीं आई. देखो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का और कैसे हो रहा है, इन चारों चीज़ों को कंबाइन करके स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम के अंदर और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और एफिशिएंट तरीके से. तो ये रिलेशनशिप जो होते हैं इनपुट, ये चार चीज़ों को इनपुट, इनको कैसे यूज़ किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जा रहा है टाइम फ्रेम के अंदर. तो ये इनपुट, इन सब का यूज़ करके आउटपुट ही तो हमारा निकलेगा, ये आउटपुट निकल रहा है. तो ये रिलेशनशिप्स हो गए ना इनपुट और आउटपुट के बीच में. आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी. फॉर्मूला देखो, आउटपुट और ये मैथमेटिकल रिलेशन है, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन, और ये के और ये एल, कैपिटल और लेबर. कैपिटल मतलब रुपीस हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, और लेबर, पैसे और लेबर का यूज़ करके, या फिर पैसे से हमने रॉ मटेरियल खरीदा उसका यूज़ करके और लेबर का यूज़ करके हमने आउटपुट निकाला. तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन हो रहा है हम उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. यहाँ से समझो, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, हम इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं ये, और इससे हम आउटपुट निकालते हैं. तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है. टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज्ड. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, देखो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ एक को इंक्रीज़ करके हम आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन हो गया. रिलेशन बता रहा है यहाँ पे, ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है, ये पता है, लेकिन एक इनपुट को इंक्रीज़ करा गया है तो आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है, ये रिलेशन है ना.
एक चीज़ को इसको इंक्रीज़ किया गया तो ये इंक्रीज़ हुआ है, इसको डिक्रीज़ किया गया तो ये भी डिक्रीज़ हुआ है। बात समझे, सिर्फ एक चीज़ को चेंज किया जा रहा है, वो लेबर हो सकता है, रॉ मटेरियल इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके हम इनपुट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, सॉरी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इज अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल इनपुट्स सिमल्टेनियसली, एक साथ ही सारे इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हैं और सेम प्रोपोर्शन में, तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे हमने अभी तक सिर्फ एक चीज़ को चेंज करा था, सिर्फ एक चीज़ को चेंज करता ना हमारा आउटपुट चेंज हो जा रहा था। अब यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, सारे को चेंज कर रहे हैं, एक साथ चेंज कर रहे हैं और एक ही प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं, एक ही रेशियो या एक ही प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं और हमारा आउटपुट वो चेंज हो जा रहा है। पहले सिर्फ एक को चेंज कर रहे थे और हमारा आउटपुट चेंज हो रहा था, अभी हम सारे को साथ में चेंज कर रहे हैं और हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है। तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, और वो भी सेम प्रोपोर्शन में। सेम प्रोपोर्शन मतलब ये 20 रुपीज़ का पहले था, ठीक है, दो लेबर थे, रॉ मटेरियल 20 kg था, टेक्नोलॉजी मान लो 2 है, तो जब वो सेम प्रोपोर्शन में 1:1 के रेशियो में सबको चेंज करेंगे या फिर 1:2 के रेशियो में चेंज करेंगे, 1:3 के रेशियो में चेंज करेंगे, लेकिन सबको सेम प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे और एक साथ सबको चेंज करेंगे, तो हम इसको कहते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कोई टाइम परफेक्ट नहीं होता, जब ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स जब चेंज हो जाएंगे तो हम उनको लॉन्ग रन कहेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है, एक टाइम पे, तो हम उसको शॉर्ट रन कहेंगे। शॉर्ट रन लॉन्ग रन होता है, तो शॉर्ट रन में क्या होता है, सिर्फ एक टाइम, मतलब एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास अभी सिर्फ इतना ही पैसा है कि वो सिर्फ लेबर बढ़ा सकती है, वो अपना फिजिकल कैपिटल नहीं बढ़ा रही है, अपना रॉ मटेरियल भी नहीं बढ़ा रही, वो सिर्फ लेबर बढ़ा रही है, तो वो शॉर्ट रन हुआ। अब कंपनी और बड़ी है, 2-4 महीने और हुए, 6 महीने और हुए, और उसके पास और ज़्यादा पैसे आ गए और उसने अपना फिजिकल कैपिटल भी चेंज कर दिया, लेबर भी चेंज कर दिया, मतलब इंक्रीज़ कर दिया, रॉ मटेरियल भी और इंक्रीज़ कर दिया, टेक्नोलॉजी भी और इंक्रीज़ कर दिया, और आउटपुट इंक्रीज़ हो गया, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होने लग गया, तो ये लॉन्ग रन हो गया। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कुछ भी हो सकता है ये। तो इतनी बातें समझ आई, शॉर्ट रन लॉन्ग रन सब समझ आ गया। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स रेफर्स टू दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो चीज़ चेंज हो रही है, एक चीज़ ही चेंज होती है, तो हम उसको वेरिएबल फैक्टर कहेंगे। लॉन्ग रन में क्या चीज़ चेंज हो रही थी, सारी की सारी चीज़ें साथ में चेंज हो रही थी, तो हम उसको फिक्स्ड फैक्टर्स कहेंगे। जैसे लैंड हर रोज चेंज नहीं किया जा सकता है, अब उसके पास कंपनी है, 10 महीने हो गए, तो वो अब उसके पास पैसे ज़्यादा आ गए, अब वो सोचेगी कि हम लैंड अपना और इंक्रीज़ करते हैं, तो इंक्रीज़ कर सकती है। तो ये फिक्स्ड फैक्टर्स हो गए जो कि हर रोज़ चेंज नहीं किया जा सकते हैं। मशीनरी हो गई, बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं उनको रोज़ चेंज नहीं किया जा सकता है, 10 महीने, 5 महीने, जिस हिसाब से पैसे आते हैं उस हिसाब से चेंज करते हैं, तो ये फिक्स्ड फैक्टर्स हो गए, लॉन्ग रन में ही चेंज होते हैं। रॉ मटेरियल है कि आज हमने 10 kg यूज़ करा तो कल हम 12 kg यूज़ कर सकते हैं कोई चीज़, लेबर सही है तो हम कल 2 लेबर ला सकते हैं, ये वेरिएबल फैक्टर्स हो गए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे साइड से इतना ही, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।